हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास रूम। इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का नाम आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, है ना। एट्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब वर्ड्स आपके सुने हुए हैं, ठीक है। सो देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ ट्राइंगल। उसके जो एंगल्स हैं, एक ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, उनके डिफरेंट रेशियो का मेजरमेंट कर रहे हैं, साइड्स के रेशियो का अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब है ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो एक ट्राइंगल में अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। तो अपन ने देखा है कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या बोला था अपन ने कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, यदि उनके तीनों एंगल सेम है तो उनके साइड्स के रेशियो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा क्या होंगे, सेम है, ठीक है। चाहे अपन उसको कितना ही एक्सपेंड कर दें, कितना ही जूम इन जूम आउट कर लें, बट वो ट्राइंगल का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगी इफ एंगल्स आर सेम, ठीक है। तो ये पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एंगल्स पे बेस्ड है। यदि एंगल अपन ने कांस्टेंट रखा, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल कांस्टेंट रखा, तो उनका रेशियो चेंज नहीं होगा। इसी बात का अपन यूज कर रहे हैं यहां पे। तो सबसे पहले ट्राइंगल के कुछ बेसिक डेफिनेशंस कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में वी नो दैट दिस इज हाइपोटेनस। और यदि इस एंगल को मैं थीटा मानूं, तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको अपन बोल देते हैं बच्चों परपेंडिकुलर। ना थीटा के जो एंगल अपन ने माना है यहाँ पे, उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोल देते हैं फिर बेस, ठीक है। तो राइट जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड को बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थीटा के कोई भी जो एंगल है दूसरा, उस एंगल के सामने वाली, जैसे मान लो इसका अपन को डिफरेंट रेशियो कैलकुलेट करना है, मान लो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब इस थीटा के लिए कैलकुलेट करना है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये, और बेस ये होगा 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब मुझे पता है कि ऐसा ट्राइंगल कहीं भी अपन ने बनाया, यदि एंगल सेम रखा मैंने, ठीक है, ये थीटा रखा, ये 90 डिग्री रखा, अब रेशियो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब रेशियो अब सेम ही रहने वाला है यदि अपन ने ये एंगल थीटा सेम रखा तो। और इसी चीज से पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपनी निकली है, ठीक है, कि ये जो रेशियो सेम रह रहा है इसी बात का अपन हर जगह यूज कर सकते हैं कि भाई ये रेशियो कुछ अपन एक जगह से निकाल लेते हैं और बाकी हर जगह क्या कर लेंगे अपन, जहां जहां अपने को पर्पज, जहां जहां यूज हो रहा है वहां पे अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं साइन ऑफ थीटा क्या है, साइन ऑफ थीटा, इसको अपन कैसे बोलते हैं, साइन ऑफ थीटा को लिखते हैं ऐसे, ये साइन थीटा। साइन किसका निकालना है, इस एंगल का, है ना, साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच। ऐसे ही कोस ऑफ थीटा क्या है, ये भी एक रेशियो है। तो मैंने ये बोला ना कि भाई कोई भी अपन राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पे भी लें और यदि ये थीटा सेम रखा तो ये रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम। मतलब सारी कहानी किस पे डिपेंड करने वाली है बच्चों, थीटा पे। यदि आपने थीटा सेम रखा तो ये रेशियो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अपन उठाएंगे सब में सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो इसी चीज का अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि साइन थीटा, अपन ने इस रेशियो को नाम दे दिया कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को अपन क्या बोलेंगे, साइन थीटा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को अपन क्या बोलने वाले हैं, कोस थीटा, ठीक है। इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम दे दिया, इस रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, कोस थीटा। ऐसे ही
ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, टेन थीटा। ये तीन मेजर अपने पास हीरो है एक तरीके से, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के तीन हीरो यही हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। अब कुछ और रेशियोज अपन डिफाइन करते हैं, कोसेक थीटा, इसको अपन क्या बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कैसे डिफाइन किया अपन ने, कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक ऑफ थीटा, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कोसेक ऑफ थीटा या कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी एक चीज अपन इसको बोल सकते हैं कोसेक थीटा या कोसेक ऑफ थीटा। कोसेक ऑफ थीटा क्या होगा, कोसेक ऑफ थीटा होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा, साइन थीटा का जस्ट उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोस का जस्ट उल्टा, है ना। फिर अपने पास आता है कोट ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा ये होता है अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अपने को पहले याद रहना पड़ेगा, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, आप इसको भूल जाओ, पहले इसको याद करो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपने को रटना है बिल्कुल, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने को याद करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें अपने को पहले अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी ये टॉपिक जो है मज़ेदार लगेगा आपको, है ना। यदि आपने चीज़ें याद नहीं करी तो ये क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मेरे को कुछ आता नहीं है, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें आपको पहले से याद करनी पड़ेगी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो अपने को क्या मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये अपने पास कोई भी एक ट्राइंगल में ये सिक्स रेशियोज अपने पास रहते हैं, ये सिक्स रेशियो अपने को अच्छे से याद हो। ठीक है, अब अपन क्या क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, या साइन थीटा को वन अपॉन कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोसेक थीटा, एक ही बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही दूसरा अपने पास आता है कोस थीटा, कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन कोट थीटा और अपन क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एक्यूट, हियर थीटा इज सम एक्यूट एंगल। ठीक है, सो थीटा एक क्या है अपने पास, एक एक्यूट एंगल। तो ये सारी चीजें अपन डिफाइन कर देते हैं, देखो फर्स्ट से और क्या अपन लिख सकते हैं, यहां से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक, और टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस है, दोनों ऊपर नीचे क्या करो, हाइपोटेन्यूज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो,
ऊपर नीचे हाइपोटेन्यूज से अपन ने डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा। तो यहां से टेन थीटा का एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी अपन लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा है। तो सेक साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। ये कुछ अपने पास बातें हैं। अभी अपन जितने भी एंगल की बात करेंगे सब डिग्रीज में बात करेंगे, जैसे जैसे आगे अपन बढ़ेंगे और भी एंगल को नापने के और भी अपने पास एंगल को मेजर करने के और भी यूनिट्स हैं। अभी अपन डिग्री में देखेंगे, डिग्री के अलावा रेडियन भी इसकी यूनिट रहती है, ठीक है। रेडियन इसकी एसआई यूनिट है ना, एंगल को नापने का रेडियन एसआई यूनिट है। अपन अभी जो भी काम करेंगे सारे डिग्री में करेंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड। इन ए ट्राइंगल, इन गिवन ट्राइंगल फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल मैंने मान लो माना है थीटा। देन फाइंड साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ये आपको निकालना है। हियर थीटा इज एक्यूट, ठीक है, हियर थीटा इज एक्यूट। तो अपने को ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने को निकालना है। तो साइन थीटा अपन ने बोला कि साइन थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा मुझे पता है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, थीटा के सामने वाला जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, है ना। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो बचा बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया अपने पास बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अपने पास 3/5, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा विल बी व्हाट, कोस थीटा अपने पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है अपने पास 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 4/5। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या अपन बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर इज 3/4, ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा विल बी व्हाट, 1/sin θ, तो ये हो जाएगा अपने पास 5/3। सेक थीटा हो जाएगा अपने पास कोस का उल्टा 5/4। ऐसे ही कोट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा 4/3। सो ये सारे रेशियोज अपने निकाल लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ए ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 एंड एंगल ए इज एक्यूट
देन फाइंड ऑल द रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, टेन ए दिया हुआ अपने को 1/√3 इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 एंड एंगल ए इज एक्यूट, देन फाइंड द रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, उसमें एंगल ए मान लेते हैं ये है एक्यूट है, तो ये बी हो गया मान लो, ये सी हो गया। ठीक है, बी किसी को भी ले सकते थे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने को क्या दिया हुआ यहाँ पे, टेन ए इज इक्वल टू 1/√3। टेन ए अपने पास होता क्या है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस अपने को दिया हुआ 1/√3। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि परपेंडिकुलर को यदि अपन के मान ले, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर को यदि अपन के मान ले तो ये क्या होगा अपने पास √3 के होगा, रेशियो दिया हुआ है तो वहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया के की टर्म्स में, कोई मान लो कुछ कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करने पे ये साइड्स मिल रही है, तो बी सी इज इक्वल टू अपने पास आ गया के एंड बी ए इज इक्वल टू आ गया मान लो √3 के। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जानते हैं अपन, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपने पास हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, h इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4k स्क्वायर विच इज 2k, h इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2k, तो ये लेंथ आ जाएगी अपने पास 2k। क्लियर है, नाउ tan a अपने को पता है, अपने को क्या लिखना है sin a। अब इस ट्राइंगल से साइन ए लिखना है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन ए क्या हो जाएगा के अपॉन 2k, के अपॉन 2k विच इज 1/2। ठीक है, फिर कोस ए, कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस से अपने पास √3k अपॉन 2k, तो हो जाएगा √3/2, के कैंसिल। टेन ए अपने को पता ही है 1/√3। अब साइन ए कोस ए टेन ए मिल गया, तो साइन ए से अपन कोस ए के डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोस ए के इज इक्वल टू व्हाट 2/1 एंड सेक ए इज इक्वल टू व्हाट, कोस ए का उल्टा 2/√3 एंड कोट ए इज इक्वल टू व्हाट, इसका उल्टा √3/1। क्लियर है पॉइंट, अब देखो यही सेम क्वेश्चन है थर्ड, यही सेम प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, थीटा यहां दे दिया, फाइंड इन ए गिवन ट्राइंगल फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ थीटा इज दिस। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये सब निकालना, कैसे करेंगे, तो मैंने बोला कि जो थीटा जिसकी अपन बात कर रहे हैं साइन थीटा में, इसमें थीटा किसका निकालना है, साइन किसका निकालना है, इस एंगल का निकालना है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर देखोगे, इस एंगल के सामने आप क्या होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा हुआ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया हमेशा। जिस थीटा की अपन बात कर रहे हैं, जिस थीटा का अपने को डिस्कशन करना है, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो होगा अपने पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपने पास ये अब क्या बन जाएगा बच्चों, ये थीटा के सामने वाली साइड है ये, तो ये बन जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज तो यही रहा। बात समझ में आ रही है, थीटा यहाँ से यहाँ रखने से क्या फर्क पड़ा, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब आप यदि साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है अपने पास, तो परपेंडिकुलर इस केस में है 4,
ऐसा नहीं कि ये जो हमेशा मतलब वर्टिकल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बेस होगा, ये अपनी जो सोचने की हैबिट है वो रॉन्ग है। जो थीटा है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, याद रहेगी बात पक्का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। ऐसे ही सिमिलरली कोस थीटा, कोस थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। टेन थीटा भी हो जाएगा अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब 4/3। या अपन इस यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 4/3, ठीक है। बाकी सब भी निकल जाएगा यहाँ से, कोसेक थीटा विल बी व्हाट, कोसेक थीटा 1/ साइन थीटा होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 4/5/4। सेक थीटा अपने पास क्या होता है, सेक थीटा हो जाएगा अपने पास 5/1/ कोस थीटा विच इज 5/3, और यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/10 थीटा विच इज 3/4। तो समझ में आ रहा है कि यदि अपने को एक एंगल दिया हुआ है तो किस तरीके से अपन बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करते हैं, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एच बी इफ टेन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, then prove that, टू साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 10 square, ठीक है। ये प्रूफ करना है, तो अपने पास क्या देखो, अपने पास दिया हुआ है 10 ए इक्वल टू 3। ये ए मान लेता हूँ, ये बी है, मान लो ये सी है, तो गिवन है 10 ए होता क्या अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ है 3/1, तो परपेंडिकुलर इज 3, तो ये 1 होगा, तो अपन इसको 3x मान लो लूँ तो ये क्या होगा x होगा, सही है बात, x x से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x, ये x होगा, किसी x से मल्टीप्लाई करने पर ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, ये अपने पास आ गया 10 है, क्योंकि ये तो अपने अपने को क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से सी ए एक्स की टर्म्स में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा 3x² प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 4x², तो अंडर रूट ऑफ 4x² विच इज 2x, ठीक है। अब 10 है अपने को पता है मान लो, तो यहाँ से अपन साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए कितना, साइन ए हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, तो साइन ए हो जाएगा अपने पास 3/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कोस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 2x विच इज 1/2, ठीक है। साइन ए कोस ए 10 ए आ गया, अब रखो 2 साइन ए कोस ए, तो पहले राइट हैंड साइड अपन लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए 2 साइन ए हो जाएगा 3/2 इंटू कोस ए हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ 3/2। फिर अपन एल एच एस निकालते हैं 2 tan a अपने पास हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला 2 tan a अपॉन
वन प्लस टेन स्क्वायर है, टू इंटू टेन ए की वैल्यू है रूट थ्री बाई वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया देखो टू रूट थ्री, थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन फोर, आंसर क्या आ रहा है रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, हेंस वी हैव वेरीफाइड दिस रिलेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ अपन ने ये देखा है कि साइन रूल, साइन, कोसाइन, टेन, ये सारे रेशियोज किसके इक्वल है और इनका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है रेशियोज है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।